बैक टू माय चैनल। गाइस गर्मियां जो है वो जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है। गर्मियां जब स्टार्ट होने लगती है ना, तो उसके साथ ही ढेर सारी स्किन की प्रॉब्लम को भी लेके आती है। सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी में वो देखने को मिल जाती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई भी आपकी एज हो, तो वो है टैनिंग की, यानी कि पिगमेंटेशन। जो सन से होने वाला पिगमेंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही में आपके फेस पे जो है ना वो पिंपल्स वगैरह ज़्यादा निकलने लगते हैं। गर्मियाँ ज़्यादा जैसे बढ़ती है, पिंपल्स की वजह से आपकी स्किन पे वो एक्ने के दाग जो है वो छोड़ जाते हैं। उसके अलावा भी स्किन जो है वो चिपचिपी हो जाती है। और ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स का तो कहना ही क्या, लाइक कि ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स तो चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो 12 महीने उनकी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका जो है वो मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ, वो है एक आज के वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली वो है डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, जो आपको दिन में भी लगानी है और नाइट में भी लगानी है। मैं दो क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक डे क्रीम है, DIY डे क्रीम है, टोटली नेचुरल है, 100% नेचुरल है। एंड DIY नाइट क्रीम है, वो भी टोटली नेचुरल है 100%, और उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। लाइक कि आप जो बाज़ार से मिलने वाली डे क्रीम यूज़ करते हो कोई भी ब्रांड की, या नाइट क्रीम यूज़ करते हो, उसी तरह से इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। लगातार यूज़ करने के बाद 15 दिन 20 दिन बाद आपको इसमें डिफरेंस, आपकी स्किन में जो है ना वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और वन मोर सजेशन कि आप जब भी बाहर निकलते हो तो ऑलवेज सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन भी SPF 50 वाला लीजिए, उससे कम वाला लाइक कि SPF 30 या SPF 40 वाला जो है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको जो है ना मिनिमम SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग, या नॉर्मल स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही DIY वाले वीडियोस मिस ना कर पाओ। ये वाली चैनल पे DIY मेकअप स्किन केयर हेयर केयर सब कुछ आने वाला है और आता रहता है। न्यू प्रोडक्ट्स भी मैं ट्राई करती हूँ 15-15 दिन 20-20 दिन तक, देन मैं उसका जो है वो डिटेल रिव्यू विथ एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मैं खुद से बाय करती हूँ और लगातार 15-20 दिन उसको यूज़ करने के बाद आपको बताती हूँ कि इसको लेना चाहिए या नहीं। तो ऐसे रिव्यू वीडियोज़ भी आते हैं, तो ये सारों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ज़्यादा अपडेट के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डे क्रीम कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे अप्लाई करना है, तो चलो वो देख लें। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का कैरेट, वो ले लेना है। उसको छीलने के बाद उसका मैंने जूस निकाल दिया है, 3-4 चम्मच जितना जूस है। ये क्रीम जो है ना गाइस आप स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हो, तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको बनाना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं बनाना है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, आप घर पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर दिया है। रोज़ वाटर एक टोनर का, नेचुरल टोनिंग का और काम करता है आपकी स्किन पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आप घर पे बनाया हुआ अभी फ्रेश, अगर आपके घर पे प्लांट है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच जितना मैं एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, जो रोगन बादाम वाला आता है, अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल होता है, वो आप ले सकते हो, वो अच्छा आता है। यहाँ पे 1 चम्मच आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो आपकी स्किन में ग्लो तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन आपकी स्किन अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र का भी ये जो आलमंड ऑयल है ना वो काम करेगा। देन क्या करना है, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला हुआ है तो लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से आप जब इसको मिक्स कर दोगे ना, तो उसको मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर लगेगा, जैसे आप देख रहे हो पिंक पीच कलर की आपकी जो क्रीम है वो बनके रेडी हो जाएगी। और कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से लगेगी ठीक, और जैसे कि मार्केट में मिलने वाली क्रीम होती है ना वैसी ही क्रीम की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी जो डे क्रीम है, DIY डे क्रीम, वो बनके रेडी है, जो हमने एलोवेरा एंड कैरेट से बनाई है। उसके बाद आपको क्या करना है, रोज़ सुबह नहाने के बाद
आपको ये अपने फेस पे लगा देनी है, जैसे आप डे क्रीम लगाते हो ना मार्केट वाली, वैसे ही इसको भी एज अ डे क्रीम यूज़ करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है आपको, और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, रिंकल्स वगैरह है तो उसे भी कम करेगा, ड्राई स्किन रहती है तो एक मॉइस्चराइज़र का भी ये काम करने वाला है। तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो आप और नेक पे भी लगा सकते हो, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके लगा देना है। इसको आप जो है ना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हो, आप बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हो, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हो, अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख सकते हो। 2 मिनट तक आपको है ना अच्छे से मसाज करना है ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं लगने वाली है और फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद फेस पे कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको पूरे फेस पे, नेक पे, सभी जगह पे लगा देनी, इवन आप हैंड पे भी लगा सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे एवरी डे आपको लगानी है ये डे क्रीम जो है वो। अब हम बनाने वाले हैं DIY नाइट क्रीम। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिया बटर, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैंने शेयर भी किया था। सिया बटर जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके स्किन में हीलिंग का काम करता है, स्किन में मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है ये। इसका आप लिप बाम बना सकते हो, मैंने बोला भी था कि मैं क्रीम शेयर करूँगी तो आज उसी की हम क्रीम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना मैंने शिया बटर लिया है, ये अनप्रोसेस एंड 100% नेचुरल वाला है, मैंने अमेज़ॉन से इसको मंगवाया था। उसके बाद क्या करना है, जो सिया बटर हमने लिया है ना उसको डबल बॉयलर मेथड से लाइक कि मेल्ट कर देना है, पिघला देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पतीला रख दिया है और उसके अंदर ये जो कांच के बाउल में मैंने सिया बटर रखा है जो धीरे धीरे करके पिघलने लगेगा, 2 मिनट में इजीली पिघल जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगी वैसे तो। तो ये आप देख सकते हो सिया बटर जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गया है। ऐसे आप स्पून से भी इसको अच्छे से हिला सकते हो ताकि अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये पूरी तरह से अब जो है वो सिया बटर मेल्ट हो गया है और रेडी है DIY क्रीम बनाने के लिए। पिघलने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका कलर है, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब उसके अंदर हम डालने वाले हैं स्वीट आलमंड ऑयल। जैसे मैंने बताया ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, आपकी स्किन में ग्लो भी लाता है, लाइक कि डार्क धब्बे है तो भी दूर करता है। ये आलमंड ऑयल है, लाइक कि आलमंड के जो भी फ़ायदे हैं सारे फ़ायदे इसमें आपको मिलने वाले हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने आलमंड ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हनी। हनी भी स्किन को टाइट करता है, अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच रोज़ वाटर। ये सारों को सबसे पहले तो आपको जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने हनी वगैरह डाला है तो लम्स वगैरह ना रहे। सबसे पहले ये सारों को मिक्स कर दीजिए अच्छे से, इसको मिक्स करने में 1 से 2 मिनट तक लगेगा। देन उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट का लिया है, पतंजलि का लिया है, आप घर पे बनाया हुआ भी ले सकते हो। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना एलोवेरा जेल ऐड कर देना है और उसके बाद सारे के सारे जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, सारे के सारे जो है ना नेचुरल DIY इंग्रेडिएंट, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। मिक्स होने के बाद इसका जो कलर है कुछ ऐसा येलोइश कलर लगेगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से लगेगी, मार्केट से मिलने वाली क्रीम से भी अच्छा रिजल्ट देने वाली है ये क्रीम जो है वो। और इसको पूरी रात लगा के रखना है ताकि इसके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये नाइट क्रीम की तरह ही काम करेगा, ये DIY नाइट क्रीम है। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो आपको अपना फेस जो है रात को सोते टाइम सबसे पहले तो नॉर्मल पानी से या साबुन से या फेस वॉश से आपको वॉश कर लेना है, और उसके बाद आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी लगेगी क्रीम जैसी। तो उसके बाद आपको अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है, नेक पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से ये भी बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं लगने वाला है, अच्छी तरह से लगा देना है। और दोनों आप लाइक कि आपको जो है ना अपने फेस पे हाथों से मसाज भी कर देना है ताकि स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा और आपकी स्किन पे जो है नेचुरल सा ग्लो आएगा, जो डार्क धब्बे हैं वो भी लाइट हो जाएंगे
और आपका स्किन का जो कलर है वो भी निखर के आएगा। स्पेशली जो अभी गर्मियों में पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग होती है, वो दूर हो जाएगी। तो आपको रेगुलर बेसिस पे रोज़ रात को सोते टाइम इसको लगा देना है। 2 से 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ अप्लाई करने के बाद किस तरह से लगता है, और अप्लाई करते टाइम भी इसका ये कैसे लगता है ये देखिए। आप बहुत ही ग्लोई फेस हो जाएगा आपका, और लगातार आपको यूज़ करना है इसको। इसको भी आप स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो 1 वीक जितनी क्वांटिटी आप बना के एक कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए, और इसको एवरीडे जो है ना वो यूज़ कीजिए। आपने देख लिया कि डे क्रीम एंड नाइट क्रीम कैसे बनानी है। सारी जो भी था सारा मैंने बताया आपको टोटली एक्सप्लेन करके। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रहती हो आप नीचे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टा की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे, लाइक कि एवरी डे यूज़ करना है, डेली बेस पे इसको यूज़ करना है। रोज़ डे क्रीम को दिन में लगाना है नहाने के बाद, एंड नाइट क्रीम को रात को सोते टाइम लगाना है। रेगुलर बेसिस पे हर एज के लगा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या ऐसा लगता है कि ये वाला इंग्रेडिएंट मेरी स्किन को सूट नहीं कर पाएगा, तो आप सबसे पहले कुछ भी ट्राई करने से पहले ऑलवेज़ यहाँ पे पेच टेस्ट कीजिए, या कान के पीछे पेच टेस्ट कीजिए, जिसको आप 24 आवर्स तक रखिए। अगर आपको कुछ भी एलर्जी, कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता है, इचिंग वगैरह नहीं होती, इरिटेशन वगैरह, देन आप ये वाली जो DIY है वो कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ आगे भी बहुत सारी आएगी, ये वाली आपकी स्किन के लिए नहीं है तो और आएगी, वो आप ट्राई कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा गाइस। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सील देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।